दर्शकों नमस्कार, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बात करने के लिए इन विषयों के इस कार्यक्रम के माध्यम से दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके महेंद्र आर्य साहब, तो वही नागपुर से प्रहलाद जी अग्रवाल साहब हमसे जुड़ चुके हैं। आइए, ये दोनों मेहमानों के साथ आज हम एक बात करने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो कामकाज है किस दिशा में चल रहा है और क्या सरकार इन्हें किस प्रकार की मदद कर रही है। ये तमाम टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों, हमारे प्रोग्राम की ये परंपरा रही है कि हमारे मेहमानों का हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सबसे पहले मैं प्रहलाद जी अग्रवाल साहब, जो नागपुर से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, इनके बारे में बता दूं कि अग्रवाल साहब आप फाउंडर ऑफ ज्वाइंट एक्शन कमिटी के आप अध्यक्ष हो। पिछले 57 वर्षों से आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो। और मेरे दूसरे मेहमान महेंद्र आर्य साहब, जो कि मुंबई से जुड़ चुके हैं, सर के बारे में बता देना चाहते हैं कि महेंद्र आर्य साहब आप नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से हो। तो मैं मेरे दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल मेरा आज के हमारे महेंद्र आर्य साहब आपसे है। आर्य साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से सरकार कैशलेस कर रही है, यानी अगर किसी का बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा का अगर विड्रॉल होता है तो 2% से लेके 5% उन पर टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी भी लगाया जाता है, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर महेंद्र आर्य साहब? देखिए, ये जो 1 करोड़ से ऊपर का जो विड्रॉल है इसके ऊपर टैक्स तो नहीं है, लेकिन टीडीएस है। 2% टीडीएस सरकार ने लाद दिया, लेकिन इसका एक सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी, इसको मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बात कि हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के नेचर को समझा नहीं। ये हो सकता किसी और व्यवसाय के लिए संभव हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैश के बिना काम चलता नहीं है जी। तो जब ड्राइवर सड़क पर निकलता है तो वो हाथ में पैसे लेके निकलता है। कोई भी गाड़ी निकलती है उसको एडवांस के लिए हाथ में पैसा लेना पड़ता है। उस पैसे से वो डीजल भी खरीदता है, टोल का पैसा भी देता है, अपने रास्ते के खाने पीने का खर्च भी देता है, और कोई ऐसी अवस्था आ जाए कि उसे कोई रिपेयर्स की जरूरत पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, और इसके अलावा जो हमारे हिंदुस्तान की सड़कों पर एक और कैश का खर्चा है वो है भ्रष्टाचार के रूप में, वो उसे चाहे न चाहे देना पड़ता है। तो बिना कैश के ये इंडस्ट्री काम कर नहीं सकती है। कहने को ये कहा जा सकता है कि डीजल कार्ड से भी मिल जाता है, टोल के लिए अभी व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये सारी जो बेनिफिट है ये वो 10-20% गाड़ियां ही इंजॉय कर सकती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो ये सारी तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन जब जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां मार्केट की गाड़ियों को हायर करती है तो उनके साथ उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसके आधार पर वो कार्ड दे दें और कार्ड के ऊपर पेमेंट हो जाए या कार्ड के आधार पर उसको डीजल मिल जाए। तो कैश तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, इस बात को हमने पहले भी उठाया हुआ है। इसके कारण जो दूसरे बिजनेस के अंदर में 20,000 की लिमिट है कैश पेमेंट की, उसको सरकार ने पास्ट में बढ़ाकर 35,000 किया था, रियलाइजिंग कि भी ये कैश की इनकी जरूरत है, और वही बात आज भी लागू होती है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो कोरोना काल के अंदर में सबके बिजनेस से बैठ गए, 3 महीने कोई काम नहीं हुआ, और उसको हेल्प करने के लिए सरकार ने बैंकों से लोन दिलाने शुरू कर दिए, एमएसएमई से लोन दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लिक्विडिटी मार खा रही है। लेकिन ये लोन की किसको जरूरत है भाई? हमारा पैसा आप जो विड्रॉ कर ले रहे हो टीडीएस के रूप में, उससे हमारी लिक्विडिटी मार खा रही है जी। दो जगह टीडीएस, एक ही बिजनेस साइकिल का दो जगह टीडीएस का पैसा कटता है। एक जब मैं कैश विड्रॉ करता हूँ वहां पर कटता है, दूसरा जब मैं मेरे कस्टमर को बिल बना के देता हूँ वो काटता है। यानी कि मेरे एक मार्जिन जो हमारी लाइन में है वो इतना नहीं होता कि दो बार कटने के बाद में आपके पास में कोई ऑपरेशन के लिए पैसा बच जाए। तो ये सरकार तो लिक्विडिटी अपने आप ही खराब कर रही है, ये एकदम गलत काम हो रहा है। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी महेंद्र आर्य साहब ने दी। जब महेंद्र आर्य साहब से हमने ये जो
सरकार कैशलेस कर रही है, इस टॉपिक को लेकर बात की तो उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। मैं हमारे दूसरे मेहमान प्रहलाद अग्रवाल साहब के पास आना चाहता हूँ। प्रहलाद जी, ये बताए कि जिस तरह से महेंद्र आर्य साहब ने जो बात कही है, आपकी इसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया है कैशलेस को लेकर? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हर चीज पॉसिबल है। आर्य साहब जो सोचते हैं वो है सिंगल मोटर मालिक को, पर उसमें हम जो है अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाएं। हम जो भी हमसे माल भरता है, हम उसको बोले कि भाई हम तेरे अकाउंट में चेक से ही पैसा डालेंगे, तू आगे फिर कैश निकाल के दे, कैसे दे वो तेरा इश्यू है, हमारा इश्यू नहीं है। जैसे हम जो बाहर की गाड़ियां भरते हैं, हम जिस भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लेते हैं उसको चेक से पेमेंट करते हैं। ये अभी हमने 15-20 दिन से स्टार्ट किया है, और हमारी गाड़ी को हमने टोटल कार्ड दे दिया है। टोल का आने वाले एक अक्टूबर से हम बिल्कुल कैशलेस ही बिजनेस करेंगे। चाहे वो ड्राइवर अगर बोले मेरे को कैश चाहिए, मेरे को रास्ते में हरासमेंट होती है, उसके लिए भी हमारी जो संस्थाएं हैं, जो रोड पे काम करती हैं, जो रोड पे जाके हफ्ता बांधती हैं या और कर रही हैं, उनसे डिस्कशन चल रही हैं, और उनसे और आरटीओ से भी, जो आरटीओ बात करना चाहता है उसको भी बोल दिया कि भाई सरकार ने एक ये नया नियम बनाया है जिसमें हमने सरकार को सहयोग देना है, और सरकार के सहयोग से हमने इसमें सक्सेस होना है। तो अभी मैं अपने केस में 75% सक्सेस हूं, और मेरे को लगता है कि अगर ये मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हम आपस में एक दूसरे से हर चीज का आदान प्रदान करेंगे, हर तकलीफ का एक दूसरे को समझाएंगे, बताएंगे और उस पे चल के देखेंगे, तो ये पॉसिबल है कि जो हमारे मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी बहुत अच्छा चाहते हैं, पर उनके नीचे वाले जो जिनकी आदत पहले टाइप की पड़ी हुई है, जो कि सुधरना बिल्कुल ही नहीं चाहते, उनको सुधारने के लिए हमको मोदी जी तक पहुंचना पड़ेगा, मोदी जी तक अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और हम लोगों को पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमको किस लाइन पे कैसे चलना है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ये आने वाला समय बताएगा। अभी जैसे आपसे जुड़ेंगे, हर महीने आपसे जुड़ेंगे, और हमारे इम्प्रूवमेंट को, हम चारों भाइयों के इम्प्रूवमेंट को आपको बताएंगे, और वो आप तक, सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसी आशा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो आशाएं व्यक्त की है वो बहुत जल्द पूरी हो, ऐसी तमाम लोगों की चाहत है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि केंद्र सरकार को इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कोलैप्स हो रही है उसको बचाने के लिए सरकार ने ही पहल करना होगा, आगे आना होगा, तब कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 16 जिले को, जैसे बिहार है, एमपी को, ये साफ तौर पे सजेशन दिया था कि जितने भी चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट बंद कर दे। क्या आपको लगता है कि सही मायने में चेक पोस्ट बंद हुए? मैं सबसे पहले प्रहलाद अग्रवाल साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रहलाद जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? इस विषय में सर ये ऐसा है, उन्होंने अपना सुझाव दिया था जी। और मेरे हिसाब से वहाँ हर तीनों सेंट्रल में भी जो जिस पार्टी का राज है, उसी तरह दोनों स्टेट में भी उन्हीं पार्टी का सहयोग से या उन्हीं का राज है, तो उनको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। गरीब प्रजा को देखते हुए, कोरोना का देखते हुए, कोरोना की भीड़ को देखते हुए उनको ये सजेशन उनका मान लेना चाहिए था। और जिन स्टेटों में अच्छा हो रहा है, जैसे गुजरात एक पहले वर्स्ट स्टेट था, अभी गुजरात में उन्होंने अलग अलग किस पे कितना पनिशमेंट लगेगा जी, उन्होंने वहां के रूल बना लिए हैं। अभी हम जो चार भाई इकट्ठे हुए हैं वो सारी चीजें मंगा के एक दूसरे को देंगे, और उस पे से उनको देके सरकार को हमको आगे जाके क्या बताना है, सरकार से हमको क्या रिक्वेस्ट करनी है, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे। पर अभी तो पोजिशन ये खराब है कि वो दो स्टेट का जो सेंट्रल ने हमारे फेवर में बोला था जी, बिहार और एमपी की बात करें, अभी अपोजिशन पार्टी ने छत्तीसगढ़ में और टोल टैक्स चालू कर, वो बॉर्डर चालू कर दिए, तो अभी क्या है कि हर जो भी स्टेट वाला है वो अपने आप को मोदी लेवल का समझता है, वो ये समझता है कि मैं जो लागू करूंगा वो है, उनके नजर में सेंट्रल का कोई भी महत्व नहीं है, जो कि गलत है, मानवता के नाते भी गलत है और सोच के हिसाब से भी गलत है, ये मेरा कहना है।
बिल्कुल, काफी अच्छा आपने विस्तृत इसकी जानकारी दी है। जिस प्रकार से आपने जो एक्सप्लेनेशन इनका इसका इस टॉपिक को जो दिया है, काफी अच्छी जानकारी आपकी थी। मैं हमारे दूसरे मेहमान महेंद्र आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा कि प्रहलाद अग्रवाल साहब ने जिस प्रकार से ये जो जानकारी दी है, पहली बात तो ये कि आप कितने सहमत हो और इस विषय को लेकर आपको कैसा लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये सजेशन दिया था, सुझाव दिया था, हिदायत भी दी थी, ऐसा कहा जा सकता है, जैसे बिहार और एमपी को हो यहाँ के जो चेक पोस्ट हो बंद कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। महाराष्ट्र बाकी और भी जो राज्य है वहां पे चेक पोस्ट की क्या परिस्थितियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आर्य साहब? देखिए, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो भ्रष्टाचार है वो हमारे यहाँ दीमक की तरह लगा हुआ है। बिल्कुल। और जो जिसके मुंह खून लगा हुआ है वो अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता, भले ही कोई कितना भी सुझाव दे दे कि चेक पोस्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन वो पैसे इकट्ठे होते हैं और करोड़ों की मात्रा में रोजाना इकट्ठे होते हैं। जी, किस स्तर तक कितना बढ़ते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी दो दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी कॉमर्स मिनिस्ट्री में, जो स्पेशल लॉजिस्टिक सेक्रेटरी नए हैं पवन अग्रवाल जी, उनके साथ मीटिंग थी। तो उनके उन्होंने पूछा था कि हम इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स का खर्च है जो दुनिया की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ 13% बैठता है और देशों में कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 8% है, तो इसको कम करने के लिए आप रास्ते बताइए। तो मैंने, भाई रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो रास्ते अपनाने की आपके अंदर में विल पावर होनी चाहिए, तब रास्ते हैं, नहीं तो जो चल रहा है उसके अंदर तो 13 से 14 भी हो जाएगा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो उसमें मैंने इस बात का इशारा किया, ये जो भ्रष्टाचार है ये आप क्या समझते कि मुफ्त में हो रहा है क्या? ये जो भी ट्रांसपोर्टर उसको पैसा दे रहा है या ट्रक वाले को पैसा देना है, वो कहीं ना कहीं उसको निकालेगा, और वो निकालेगा तो वो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का हिस्सा बन के निकलेगा। फिर आप ये दोष क्यों देते हो कि आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई आ रही है? इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उन्होंने एक डायलॉग स्टार्ट किया है और उनके साथ मेरा आगे फर्दर मीटिंग्स भी है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें ये इसको कैसे कम किया जा सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में चल रहा है हमारा वो कार्यक्रम। लेकिन जब तक ये भ्रष्टाचार की दीमक तब तक ये चीजें बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इस दिशा में काम काज चल रहा है ऐसा आपका मानना है। मैं फिर से एक बार आर्य साहब आपको ये भी पूछना चाहूंगा, कैशलेस यदि बंद हो जाता है तो व्यापार कैसे करेंगे आप? चर्चा नहीं करता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उनको काम। हेलो आर्य साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक, पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी आवाज आ रही है। हाँ जी, अब कैशलेस यदि बंद हो जाता है तो आप लोग कैसा व्यापार करोगे? नहीं, कैशलेस से कोई इश्यू नहीं है। जो प्रहलाद जी ने कहा कि हम कोई कैशलेस के मिनिमम कैश वे काम होना चाहिए चाहते हैं, लेकिन ये जो टीडीएस डाल दिया गया उसका विरोध मैं कर रहा हूँ। 194N के धारा के अंतर्गत जो कैश विड्रॉल पर टीडीएस गवर्नमेंट ने डाला वो कोई निवारण नहीं है, वो एक हैरेसमेंट है। लेकिन कैशलेस तो अच्छी चीज है, जितना मिनिमम कैश यूज में आए उतना हर एंगल से अच्छा है। सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है कि कैश पैसा लेके आदमी घूम रहा है उसके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। तो कैशलेस को तो का विरोध तो है ही नहीं किसी भी हालत में। मैंने जो विरोध किया था वो टीडीएस का विरोध किया था। अच्छा, ठीक है। अग्रवाल साहब, आपके इधर से कुछ आवाजें आ रही है, कोई अगल बगल में है तो उन्हें पूरा शांत कर दीजिए, पूरा शांत कर दीजिए उन्हें। ठीक, मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। मैं आना चाहूंगा प्रहलाद अग्रवाल साहब आपके पास। प्रहलाद जी, ये बताइए कि डीजल सर्विस टैक्स के दायरे में है क्या, ये मेरा एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि 70 साल की नीतियों को क्या ये सरकार आगे बढ़ा रही है क्या, क्या कहना चाहोगे अग्रवाल साहब? जैसे सरकार ने जब भी जीएसटी लगाने की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जीएसटी सब पे लगेगा, तो उन्होंने मेरे हिसाब से अभी दो चीज जो कि जिसपे जो बिकती भी कैश पे है, सब कुछ कैश पे होता है, एक अल्कोहल और एक डीजल। जी, डीजल या पेट्रोल लुब्रिकेंट जो भी है, कि हमारे प्राइस डेली चेंज होंगे, यानी कि इंटरनेशनल क्रूड के साथ में हम इसको रिलेट कर देंगे। तो क्रूड अगर ऊपर गया तो दाम ऊपर गए, क्रूड नीचे गया तो दाम नीचे गए। और इस पर उस समय भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो मिनिस्टर हैं इसके, उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि
प्राइस में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम, ताकि लोगों को ये कष्ट नहीं हो कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन हुआ क्या, अब इस साल की आप सिचुएशन देखिए, फरवरी में $55 क्रूड का भाव था जी। वो मार्च में घटके आ गया $35 पर, मार्च खत्म होते होते वो और नीचे आ गया $20 पर जी। और उसके बाद सरकार को लगा कि ये प्राइस तो घट रहा है, तो पहले फरवरी के सामने तो उन्होंने उठा करके मार्च में ₹3 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, मार्च में जब शुरू हुआ, और फिर और ज्यादा नीचे ज्यादा दिखा उन्होंने ₹13 फिर बढ़ा दिया उसके अंदर में जी। तो जी, यानी कि जो कंज्यूमर है यानी डीजल और पेट्रोल लेने वाले, उनको तो वही प्राइस मिलता रहना चाहिए, भले ही हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे घर में कम होती जाए, उसको हम मेकअप कर लेते हैं अपना खजाना भर के। यहाँ तक भी चलो कुछ हद तक बात रीजनेबल कहला सकती है कि आपने भाई डिस्टर्ब नहीं होने दिया, मार्केट वही लेवल पर मेंटेन किया। लेकिन उसके बाद जब वो $20 से बढ़कर के और जून में $41 पहुंच गया, तो फिर क्या, तो आप उसको अपने आपने तो अपने सेस और एक्साइज कुछ घटाया नहीं, आपने वही लेवल मेंटेन किया। उसका परिणाम क्या है कि एक जंप आ गया डीजल प्राइसेस के अंदर में, जो कभी पहले हुआ नहीं था, और इसके कारण ये जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में परेशानियां खड़ी हुई है वो सरकार के इसी ग्रीड का फल है। ठीक है, सरकार को अपना खजाना भरना है, देश चलाना है, बहुत सारे जब आप सुनते हैं इनके मिनिस्टर्स के स्पीच सुनते हैं तो ये कहते हैं भाई हम इतना जो 18 लाख करोड़ का हमने कोरोना के टाइम में लोगों को फ्री का अनाज बांटा, ये सब पैसा आएगा कहाँ से। तो ठीक है, वो आप ठीक है बांटते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एक इंडस्ट्री के ऊपर इस हद तक लाद दे वो खर्चा जिससे कि वो इंडस्ट्री चरमराने की पोजीशन में आ जाए। मेरे ख्याल में डीजल के बारे में इस साल में जो भी हैंडलिंग हुई है वो बहुत ज्यादा गलत हुई। तो जिस प्रकार से ये जो हैंडलिंग हुई है बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा महेंद्र आर्य साहब इन्होंने ये कहा है। प्रोग्राम के अभी हमारे दूसरे मेहमान राजेंद्र सिंह साहब जो कि चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह साहब, मैं फिर से एक बार आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल राजेंद्र सिंह साहब, आप ये बताइए कि डीजल को लेकर आपने काफी होमवर्क करके आए हो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? जिस प्रकार से प्रहलाद अग्रवाल साहब ने जो अपनी बात आपके समक्ष रखी है इस प्रोग्राम के जरिए, महेंद्र आर्य साहब ने भी अपनी बात रखी है, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि 70 साल की नीतियों को क्या ये सरकार आगे बढ़ा रही है, ये हमारा एक सवाल था, और डीजल सर्विस टैक्स के दायरे में है क्या, ये सवाल था, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या कहना चाहोगे सिंह साहब? सबको नमस्कार जी। सबसे पहले महेंद्र आर्या जी ने बड़े अच्छे तरीके से ये बात प्रकट करी है, साझी करी है जी, के डीजल के ऊपर में गवर्नमेंट की अभी जो 2017-20 की जो पॉलिसी थी उसको जब अभी प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने का टाइम आया तो गवर्नमेंट उससे पीछे हट गई जी। गवर्नमेंट के साथ में हमारी सहानुभूति भी है जी, पर उसके साथ में जो गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी बनाने वाले हैं हमारा ये सोचना है कि वो इसका डाउन लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जो आम पब्लिक है, जो गाड़ी वाले हैं और बाकी एग्रीकल्चर है उसके साथ में इंडस्ट्री भी है, ये सारे डीजल यूज करते हैं जी, आज उनके ऊपर में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी के ऊपर में कैसे वो अपना चला पाएंगे। उसके अलावा जो एक अपने गवर्नमेंट की जो सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी, आपने पहले देखा होगा कि डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता होता था, डीजल की क्योंकि ये कमर्शियल यूज के लिए आता है, ये इंडस्ट्री यूज में आता है, ये प्रोडक्टिविटी के लिए आता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है बिल्कुल, तो जो कारों के लिए पेट्रोल है वो एक अलग है, तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट का ₹10 से लेके ₹20 प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल की कास्ट में फर्क रहता है जी। हमारे को ये पॉइंट नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट इसी के अंदर पेट्रोल से ₹5-10 रेट बढ़ा कमती करके उसका फर्क पेट्रोल में बढ़ा के एक गवर्नमेंट पब्लिक को बहुत अच्छी रिलीफ दे सकती है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा, पता नहीं
ये क्या है उनकी सोच है कि वो पेट्रोल और डीजल दोनों को एक साथ में करना चाहते हैं, बल्कि अभी तो हद हो गई कि पीछे हमने देखा कि डीजल के रेट पहली बार हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में पेट्रोल से भी बढ़ के हो गए हमारे मुल्क में। और जो दूसरा जो इम्पैक्ट और जो दूसरा मेरा इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट के सामने मैं रखना चाहता हूँ, जैसे भी गवर्नमेंट ने 10 रुपए लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 10 रुपए के साथ में उसके ऊपर में जब स्टेट का वैट टैक्स लगता है तो 25% से लेके 30% तक वो चला जाता है, तो वो 10 रुपए का 12-13 रुपए लगता है जो अपने को कस्टमर को आगे चला जाता है। तो इसके लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट, एक और जो चीज सामने आई है प्रैक्टिकल में कि गवर्नमेंट का जब रेट तो रेट बढ़ते हैं तो उनका रेवेन्यू अच्छा होता है, डीजल के प्राइस कम हो गए, डीजल के प्राइस कम हो गए तो उनका रेवेन्यू कम आ जाता है, तो वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि तो बढ़ा दो। इस तरीके से डीजल के ऊपर में हमेशा टैक्स बढ़ते जाते हैं। हमारी ये गवर्नमेंट से राय है कि इसके ऊपर में कास्ट के ऊपर में रिलेट नहीं करके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर में लीटर के ऊपर में उनका वैट जो है फिक्स करना चाहिए, ना कि प्राइस के ऊपर में, ताकि जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बढ़े या लोकल में भी प्राइस बढ़े तो वो पब्लिक के ऊपर में उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस कम भी होगी तो उसके अंदर में गवर्नमेंट को जो पर लीटर के हिसाब से जो सेल के ऊपर में उनको टैक्स मिलना है उनके रेवेन्यू में कमी भी नहीं आएगी, और इससे काफी हद तक जो अपने टैक्स के डीजल के रेट हैं उसके अंदर में समांतर बना रहेगा तो पब्लिक को भी एक अनड्यू बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर में भी हमारा ये एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को इस तरीके भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जिसके अंदर में उनको नुकसान नहीं होगा बल्कि उनको फायदा ही रहेगा, प्रैक्टिकल के ऊपर में ये चीजें आनी चाहिए। दूसरी जो एक बात है, जितना हाँ, भी गवर्नमेंट का डीजल की रिफाइनरी परचेस करती है वो 3-6 महीने का फिक्स रेट करते हैं। हाँ जी, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर मंथली या क्वार्टरली रेट हमारा इंक्रीज होता है जी, गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी 10 पैसे 20 पैसे 8-8 रोज के बढ़ा दिया, तो यही जो गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी तो इन्होंने एक लिमिट बांध दी थी कि हर महीने में डेली इंक्रीज नहीं होगा, हर महीने में इतने रुपए तक इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के पास में जब कम भी होता है तो उसको गैप को एडजस्ट करते हुए अपना प्रॉफिट लॉस को भी मेंटेन कर सकती है। जो गाड़ी वाले के लिए आज मेरा डीजल लग गया तो लग गया, वो मेरा नुकसान है, मेरे को उसकी किसी भी जगह से भरपाई नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो हम ऑप्शन देते हैं कि वो एवरेज निकाल के मंथली या क्वार्टरली हमारे ऊपर में वो बढ़ा सकती है, तो गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा। इसके अंदर में इंडस्ट्री को प्रैक्टिकली पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसके अंदर में गवर्नमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। डीजल के प्रति मेरे इतने पॉइंट कहने हैं। बिल्कुल, आपने जो भी बात की बहुत काफी अच्छी जानकारी आपने दी, और हो सकता है कि यदि आपके बातों के ऊपर पे सरकार अमल करे तो सरकार का भी फायदा हो और इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी फायदा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक सवाल बार बार, हमने पिछले एपिसोड से लेके अब तक यही देखा है कि जो ड्राइवर भाई जो होते हैं उनके ऊपर में काफी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है या उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? ड्राइवर के लिए कोई आप लोगों के पास ऐसी कोई स्कीम बनाई गई है क्या कि जिससे उनका जीवन संवर्धन अच्छा हो? मैं तीनों मेरे मेहमानों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं प्रहलाद अग्रवाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि ड्राइवर के लिए कोई स्कीम बनाई गई है क्या? क्या कि पहले हर आदमी अपने तरीके से, आर्या साहब अपने तरीके से सोचते थे, राजेंद्र सिंह साहब अपने तरीके से सोचते थे, ऑल इंडिया मोटर अपने तरीके से सोचती थी जी। मेरा ये मानना है कि हम सब अब जो एक आपस में एक दूसरे से सलाह करने, बिजनेस सबका अपना अपना अलग है, वो अलग तरीका है, पर जो हमको जो इस कम्युनिटी, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर, अगर ड्राइवर अच्छे होंगे हमको हर तरीके से वो हेल्प करेंगे, तो हमको उसके लिए पॉलिसी, हम जो भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम ड्राइवर हित में
या इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के हित में करते हैं, हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि हम ड्राइवर भाइयों के लिए सरकार से क्या करवा सकते हैं और हम खुद क्या कर सकते हैं, जो मोटर मालिक हैं वो क्या कर सकते हैं। और मोटर मालिक भाइयों को भी हमको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई हमको ड्राइवरों के लिए ये पनिशमेंट अपने आप को देनी है और ये सरकार से रिक्वेस्ट करनी है, जिससे कि हमारे ड्राइवर भाई नए बने। और जैसे आज इस जमाने में जहां नौकरी नहीं है, आप विदेशों में जाके देखिए, वहां ड्राइवर पढ़ा लिखा भी ड्राइवर है, जबकि हमारे वहां जितने भी आपको ड्राइवर मिलेंगे 90% अनपढ़ गंवार मिलेंगे, 10% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं पर वो आप अपने आप को जाहिर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ड्राइवर बन गया इसलिए वो अपने आप को जाहिर भी नहीं करना चाहते कि मैं बीए पास हूँ, एमए पास हूँ। क्योंकि दो चार मेरे ऐसे टच में आए हैं जो बीए पास एमए पास भी हैं, पर मजबूरी है उनकी कि उनको ड्राइवर का काम करना पड़ रहा है। तो अगर हम ड्राइवर को इतना सम्मान और इतना वो सब दिलवा दे, हम भूल जाए एक बार और हम उनको अपना ही हाथ पांव समझे, क्योंकि उसके बगैर जो आज जिस स्टेज पे भी हम ये चार भाई जो एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चारों भाइयों को ड्राइवर ने ही बनाया है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मेरे को तो ड्राइवर भाइयों ने बनाया है, ये मेरा फुल्ली मानना है। और इसीलिए मैं ड्राइवर वेलफेयर में जितना भी हो सके, जैसे सैलरी ड्राइवरों की पहले कम होती थी क्योंकि हम ये मानते थे कि वो दो नंबर का पैसा बनाता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई तुम हक का मांग के क्यों नहीं लेते, और मैंने अपनी संस्था में उनको टोटल 20,000 रुपया मिल जाए ऐसा एक डिसाइड अपने स्टाफ को कह दिया है, किसी भी ड्राइवर को तुम 20,000 से कम नहीं दोगे। उसमें उनका खाना भी आ गया, उनका बोनस भी आ गया, उनकी सैलरी भी आ गई, तीनों मिला के हम 20,000 रुपया एक ड्राइवर को देते हैं। तो इसी तरह हम जो चार भाई मिले, हम अपनी कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हम ड्राइवर वेलफेयर के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे किसी भाई का कहना है कि सरकार से इंश्योरेंस मिले, हम उसमें जैसे इंश्योरेंस मिलता भी है, कुछ बैंक वाले अगर उनका बैंक अकाउंट है तो इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, मेरे ख्याल इंडियन ऑयल भी कुछ 50,000 का किसका इतना इंश्योरेंस देती है, तो सारे जो वेलफेयर। और सरकार भी अगर मान लो ड्राइवर भाई बैंक अकाउंट होल्डर है तो उसको कुछ लाख का या कुछ का, वो सारे बेनिफिट हमको मिल के समझ के और उनके लिए करने पड़ेंगे और उनको मिल जाए। ये जो भी चार संस्थाएं छह संस्थाएं वो अपनी ड्यूटी समझे, ड्राइवर भाइयों को अपने साथ जोड़े और अपनी ड्यूटी समझे, उनके लिए उनको ये वो पैसा इमीडिएट जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये उनके लिए कार्य करें। बिल्कुल, काफी अच्छी आपने जानकारी दिया है कि ड्राइवरों का मनोबल यदि बढ़ाना है, क्योंकि ड्राइवर वो रीढ़ की हड्डी होती है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपने गंतव्य स्थान तक वे हमेशा माल लेके जाते हैं ट्रकों के माध्यम से, और उनका काफी अच्छा कामकाज है। लेकिन अफसोस के ड्राइवरों को सम्मान नहीं दिया जाता, उनको जिस नजर से जो देखा जाता है काफी बुरा लगता है, क्योंकि कई आए दिन ऐसी घटनाएं नजर आ रही है, हो रही है कि जिसके चलते ड्राइवरों का मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कई ड्राइवर लोगों ने ड्राइविंग करना भी छोड़ दिया है। मैं हमारे पहले मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके थे महेंद्र आर्य साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके पास कोई ऐसे ड्राइवर के लिए कोई भविष्य में स्कीम है, और है तो वो किस प्रकार की होगी और उसके ऊपर में कैसे अमल किया जाएगा, मात्र कागजों पे न रहते हुए उसकी सही मायने में उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या कहना चाहोगे सर आर्य साहब? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मात्र कागजों पर नहीं रहनी चाहिए जी। और जो हमारी संस्था है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जी जी जी, 2 साल से एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है जिसका नाम है हाईवे हीरोज। ओके, हाईवे हीरोज के अंतर्गत हमने एक अभियान चला रखा है कि हर ड्राइवर की एक कम से कम 3-4 लाख की एक्सीडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार को सपोर्ट मिलना चाहिए, एक ये हिस्सा उसका है। और दूसरा, हमने एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर शुरू किया हुआ है जिसके अंदर में 24/7 ड्राइवर फोन करते हैं और उन्हें जहां किसी भी किस्म की दिक्कत है सड़क पर हाईवे पर, चाहे वो कोई हैरेसमेंट का केस है, चाहे कोई चोरी का केस है, कोई एक्सीडेंट का केस है, वो फोन कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान कम से कम 300 कॉल हमने रोजाना अटेंड किए हैं उसके अंदर में, और हर ड्राइवर को हेल्प की है, खाना कहाँ मिलेगा खाना दिलवाया है, हमने पूरे देश में हाईवेज के ऊपर में खाने का प्रबंध किया जो लोकल एसोसिएशंस के साथ में टाई अप करके फंड्स हमने कलेक्ट करके दिए,
आर्य साहब मैं मुझे एक ही सवाल चाहिए कि ये तो खैर लॉकडाउन के दौरान ये सब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक और बात कर रहा हूँ, स्कीम के बारे में बताइए। मैं स्कीम बता रहा हूँ आपको, दूसरा हिस्सा हमारी स्कीम का क्या है, सम्मान वाली बात। आज सबसे ज्यादा अगर किसी की दुर्दशा है तो वो ड्राइवर की है। एक ड्राइवर जो अपने गांव में अपने परिवार को छोड़ के निकलता है, महीने में वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन घर से बाहर रहता है, सड़कों की धूल फांकता है, ढाबों में खाना खाता है, उसका सोने का ठिकाना नहीं, उसके शौच का ठिकाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, और जब वो किसी की फैक्ट्री में माल पहुंचाने पहुंचता है तो उसको फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं कि अभी जगह नहीं है, खड़े रहो, और वो कई बार वो 2 दिन और 3 दिन भी खड़ा रहना पड़ता है उसको उस जगह पर। तो इससे बड़ा अपमान किसी व्यक्ति के लिए हो नहीं सकता। हमने क्या किया कि हमारे एसोसिएशन की तरफ से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, सब इंडस्ट्रीज है, हमने सबको लेटर लिखा कि आप इस आदमी के महत्व को कम क्यों आंकते हो, आपकी फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उन सबके लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, आराम की, टॉयलेट्स की, बाथरूम की, चाय की, कॉफी की, खाने पीने की। वो आदमी जो आपका माल लेकर के आ रहा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन की यात्रा के बाद, क्या वो आपका आदमी नहीं है? उसके कारण चलती है कि नहीं चलती है, या आपके यहाँ जो माल बनता है उसको वो लेके जाता है तो उसके कारण आपका माल आगे बिक्री होता है, उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? और हमने उनको एक प्रपोजल दिया कि आपके HR डिपार्टमेंट को आप बोलिए कि ड्राइवर, आने वाले ड्राइवर के बारे में एक SOP बनाए कि उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, और वो आप हमसे शेयर कीजिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ SOP बना करके हमें भेजी है, उसमें यहाँ तक व्यवस्था की है कि ड्राइवर की कोई गाड़ी आती है उसको तुरंत अंदर लिया जाना चाहिए, उसे आराम करने के लिए जगह देनी चाहिए, उसको टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, कंपनी के कैंटीन में उसको खाना खाने का परमिशन होना चाहिए, चाय कॉफी मिलनी चाहिए, और उसका इतने मिनिमम टाइम में उसको वहां से रिलीज किया जाना चाहिए, ऐसी SOP बना के दिए। तो ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर हम उसको दिलाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर उसकी बेइज्जती हो रही है, यानी जिस कस्टमर का वो माल उठाता है जब वही उसको इज्जत नहीं दे रहा, जिस ट्रांसपोर्ट के लिए वो काम करता अगर वही उसको इज्जत नहीं दे रहा तो दूसरा कौन देने वाला है? तो हमने इन बेसिक मुद्दों पर लेकर के अपना होमवर्क शुरू किया हुआ है, जो काफी हम सक्सेसफुली आगे उसको बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत काफी अच्छा आपका काम है। जैसे कि आर्य साहब आपने जो कहा है कि हाईवे हीरो या एक्सीडेंट जो पॉलिसी है वो होना चाहिए, 24/7 उन्हें सेवा देंगे ऐसा भी आपने कहा, फैक्ट्री के बाहर में उन्हें जो खड़ा रहना पड़ता है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है, क्योंकि इतने लंबा सफर करने के बाद यदि उस ड्राइवर को 2 सुकून भरी जिंदगी वहां न मिले, या 2 पल उसको आराम से न मिले, या कोई प्यार से 2 बात न करे, तो वो जिंदगी जिंदगी क्या। और ड्राइवर को महत्व, ड्राइवर को जो महत्व वो कम दिया जा रहा है, और उनके महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए, ये भी आपने कहा, और कंपनी के कैंटीन में उन्हें खाना पीना देना चाहिए, और उनका अच्छा कामकाज होना चाहिए, ये आपने काफी चीज जानकारी दी। मैं हमारे तीसरे मेहमान जो चेन्नई से जुड़ चुके थे, हमारे राजेंद्र सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह साहब, आप क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार से प्रहलाद अग्रवाल साहब ने अपनी बात रखी, महेंद्र आर्य साहब ने आपकी बात रखी, कि ड्राइवर के लिए कोई स्कीम आपके पास है क्या? बहुत अच्छी बात है सबकी। देखिए, एक चीज है कि ड्राइवर जो है वो हमारे बिजनेस की मेन न्यूक्लियस है, रीढ़ की हड्डी है। मैंने वो जमाना भी देखा है जब ड्राइवर कोई आता था तो उसको ड्राइवर साहब कहते थे, उसकी सेवा भी करते थे, और उसको अपने जुवाई की तरह उसका मान सत्कार मैंने देखा हुआ है। और आज उसकी दुर्दशा का भी बदतर से बदतर, यहाँ तक कि उसको एक इंसान तक की भी संज्ञा नहीं दी जाती, ये भी देख रहा हूँ, जिससे दिल को बहुत ज्यादा दुख होता है। आज जो सबसे ज्यादा जो चीज है कि जो हाईवे के ऊपर में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि एक करप्शन जो एक पूरी अथॉरिटी के अंदर में हर एक जगह में ये जो फैल चुका है, इसका जो कैंसर, ये एक सबसे ज्यादा ड्राइवरों के ऊपर में तशद्दद करता है। यहाँ तक के ड्राइवरों के ऊपर में जानी हमले तक भी हुए हैं, उनको बॉडीली भी काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। तो मेरा जो मानना है, मेरी पीछे प्रहलाद साहब जी से भी बातचीत हुई थी,
जब आपने लास्ट ईयर में महेंद्र आर्या जी भी आए थे उसके अंदर में और भी काफी संस्थाएं थी, तो मैंने उस टाइम भी एक सुझाव रखा था कि अपने को ड्राइवरों के लिए एक मानव अधिकार ह्यूमन राइट के लिए एक ऐसी मिलके सबके अंदर उसके अंदर में एक संस्था बनानी चाहिए जिसके अंदर सारे आदमी मिलके और उसका जो भी किसी के ऊपर में कोई केस है उसको वो संस्था लड़े, उसको आगे पुट अप करे। बाकी बातें सबने कह दी हैं, ये पॉइंट जो है छूट रहा है। और इसके लिए हमने अहमदाबाद में एक अपने गुप्ता जी हैं, उनको बुलाया भी था साथ में, उनके साथ हमारी बातचीत चल भी रही है। इसके अलावा भी आज मेरे साथ में करीब 6-7 बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर में अपना काफी ज्यादा उनको अच्छा लगा है कि इसके अंदर में अपने को काम करना चाहिए। और जो दूसरी चीज है, जब आदमी एक प्रोफेशनल होता है तो उसको इज्जत अपने आप भी एक डिमांड करने आती है, उसका बातचीत करने के तरीके से भी उसको आती है। बिल्कुल। तो एक जो मेरा दूसरा जो है ड्राइवरों के लिए ये है कि उनको अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और उनको अपना बिहेवियर इम्प्रूवमेंट के लिए इसके ऊपर में भी सबको मिलकर ध्यान करना चाहिए। इसके लिए हम एक लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके साथ में मिलके पिछले महीनों के अंदर में जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के तक करीब 27,000 ड्राइवरों को हमने एक दिन की अच्छी ट्रेनिंग देके जिसके अंदर में काफी ज्यादा रोड सेफ्टी के उनके बिहेवियर के और कैसे कैसे उनको एक्सीडेंट से बचाव के लिए काफी चीजों से उनको जानकारी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनको उसके साथ में उनको जैसे एक दिन का 500 रुपया साथ में उनको और गिफ्ट भी दिए जाते थे। ये काफी हमारा जो है कि उनको जब तक आप एक शिक्षक बना के और उनको पर्सनल प्रोटेक्शन, किसी भी ड्राइवर को साथ में कोई भी आदमी जैती नहीं कर पाए। आज अगर हमारे ड्राइवर को किसी भी जगह, जो पीछे अभी 2-3 केस हुए हैं आपने देखे होंगे, जी जी, साथ में हुआ, बिहार में हुआ, कि उनको किस तरीके से पिटाई की गई है या उनको बदसलूकी करते हैं, इसके अंदर में जब तक हम उनके लिए एक संस्था बना के उनका ये प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, जब तक उनका सत्कार, उनसे कोई भी आदमी डरेगा नहीं। आज सब आदमी ये समझते हैं कि ड्राइवर के पीछे कोई आने वाला नहीं है, मालक गाड़ी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको कई बार तो ये देखा गया है कि कई मालक ड्राइवर को छोड़ देते हैं और आप गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो ये चीज के लिए अपने को मिलके सबको ये काम करना चाहिए। और उसके लिए हम ऑलरेडी कुछ रोड वर्क बना लिया है, कर भी रहे हैं। और इसके अंदर में और भी कोई, सबको हमारा ये निवेदन है कि इसके अंदर में अपना योगदान डाल के इस चीज के अंदर में जब तक हम उनके मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट के लिए नहीं करेंगे, उनका जो बनता हक है, उनकी मजदूरी उनको नहीं दिलाएंगे, जब तक उनकी रिस्पेक्ट, उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षित ड्राइवर होने चाहिए, तो उसके साथ में उनकी समाज के अंदर में अपने आप इज्जत बन जाएगी। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया, जो जिस प्रकार से जो विस्तृत जो जानकारी दी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे तीनों मेहमानों ने अलग अलग तरीके से ये जानकारी दी। हमारा एक मुख्य सवाल ये था कि ड्राइवरों के लिए कोई स्कीम बनाई गई है क्या, इसके ऊपर में प्रहलाद अग्रवाल साहब जो कि नागपुर से जुड़ चुके थे, उनका यह मानना था कि ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, 20,000 रुपए कम से कम ड्राइवर को देना चाहिए। तो वही हमारे मुंबई से जुड़ चुके हमारे महेंद्र आर्या साहब का यह कहना था कि 24/7 ये सेवा उन्हें देनी होगी और एक्सीडेंटल पॉलिसी भी उनके लिए होना चाहिए। तो वही हमारे चेन्नई से जुड़ चुके राजनाथ सिंह साहब का ये कहना पड़ा कि कभी कभार ड्राइवर को ड्राइवर साहब कह के उनको पुकारा जाता था, लेकिन अफसोस के अब ड्राइवर की दुर्दशा हो रही है और हाईवे पर करप्शन इस कदर फैल चुका है कि ड्राइवरों पे कई कातिलाना हमले भी हो रहे हैं। ये हमले रुकना बेहद जरूरी है,
इसकी रोकथाम भी होना चाहिए, ऐसे राजन सिंह साहब आपने कहा। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अच्छी इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए, चाहे एटीट्यूड हो या अन्य बातों को लेकर अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना होगा। और सबसे मुख्य बात आपने काफी अच्छी कही कि ड्राइवर को पर्सनल प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये तमाम बातों को यदि सरकार ध्यान दे तो यकीनन ड्राइवर की तादाद बढ़ेगी, बड़ी संख्या में ड्राइवर तैयार होंगे और जिसके चलते भारत सरकार का फायदा ही फायदा होगा, बशर्ते भारत सरकार को इस दिशा में पहल करना होगा, अपने कामयाबी के कदम बढ़ाना होगा। तो दर्शकों ये थे हमारे तीनों मेहमान जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके थे। अगली बार फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस कार्यक्रम में हम नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक को लेकर उनसे रूबरू आपसे करवाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन बीसीएन न्यूज चैनल पर। मैं फिर से मेरे तीनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। और सबको मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।